बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बॉल नाइट्स विद एहसन खान। आई होप एवरीथिंग इज गुड, एवरीवन इज गुड। आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है? वैसे अच्छा अच्छा चलता रहे तो ठीक रहता है और हम बड़े खुश रहते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं तमाम अच्छी चीज़ों को। लेकिन जब कभी कुछ बुरा ज़रा सा भी होता है ना, फिर हमारी शिकायतें, शिकवे, और हमें यह लगता है कि ज़िंदगी कभी अच्छी थी नहीं। तो मैंने ये देखा है, मैं एक जगह पढ़ भी रहा था कि जब अच्छा वक्त ज़ाहिर नहीं रहता, बुरा वक्त भी नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है और अल्लाह ताला आपकी बहुत सी मुश्किलों को आसानी में और खुशियों में बदल देता है। लेकिन वो जो एक शॉर्ट टाइम ऑफ तकलीफ होता है, जैसे बीमारी कुछ देर के लिए आती तो आपको लगता है बस भाई अब तो यही थी लाइफ, या कोई मसला मसाइल आता है, तो सब्र और हौसला और जो एक डिटर्मिनेशन होती है ना, वो बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, उतार चढ़ाव, तो फिर आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। और यकीनन कहते हैं कि अगर आपको तवक्कल है रब की ज़ात पे तो ज़िंदगी अच्छी चलती है। अच्छा जनाब, शो का फीडबैक आप लोग अच्छा देते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। अब तो हर एपिसोड में ये बोलता हूँ कि शो का फीडबैक अच्छा है और माशाल्लाह अच्छा है, टच वुड, आई मीन अल्लाह नज़र ना लगाए, यू पीपल आर वॉचिंग इट। और बहुत से लोग आके बहुत सी यहाँ पे मज़े मज़े की बातें कर जाते हैं जो मुझे भी नहीं पता होता कि इतनी मज़े की बात कर दी इन्होंने। और आई डोंट नो कैसे हो जाता है, शायद वो एक रेपो, एक दोस्ती, एक माहौल ऐसा क्रिएट होता है। आप लोगों की मोहब्बत आप गौर से देखते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अलिफ जो प्ले मेरा और कुबरा का, कुबरा भी हमारे बॉल पे एक शो करती हैं और दोस्त है हमारी, वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ जो अभी रिसेंटली एक एपिसोड चली, तो आई वांट थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। वो ट्रेंडिंग में रहता है हमारा ये शो भी, इसकी बहुत सी एपिसोड ट्रेंडिंग में रहती है। तो आई फील वेरी गुड दैट यू गाइज आर लविंग माई वर्क, वॉचिंग माई वर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एक दो और चीज़ें भी बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं बड़ी जल्दी जल्दी, वो भी उनके बारे में आपको शो के जरिए पता चलता रहेगा। एक दो प्लेज है जो कर रहा हूँ, एक दो फिल्म है जो आजकल जिनकी शूट चल रही है, बहुत सर्दी में शूट लाहौर में कर रहा था, तो उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा जनाब, कुछ फील्ड में जब आप फील्ड को ज्वाइन करते हैं ना, यानी आप कोई भी जिंदगी में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपके कुछ आइकॉन्स होते हैं, आप कुछ लोगों को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको गौर से देखते हैं, उनको नोटिस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं जिंदगी में। मैंने इस फील्ड में, मेरे बहुत फेवरेट्स हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे जितने सीनियर एक्टर्स और सीनियर आर्टिस्ट और यंगर लॉर्ड भी जितने ज़बरदस्त हैं हमारे पास पाकिस्तान में, यकीन करें कहीं और नहीं है। अनलेस एंड अनटिल इन हॉलीवुड इफ दे आर ट्रेंड फ्रॉम प्रॉपर एक्टिंग स्कूल्स फॉर ईयर्स एंड दे डू थिएटर एंड देन दे बिकम that kind of strong and वो जो ज़बरदस्त किस्म के एक्टर्स वो बन जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कैसे बनते हैं इतने अच्छे एक्टर्स, क्योंकि वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड। अच्छा, अब जब मैं बात इन लोगों की करता हूँ ना जो मुझे बहुत पसंद है, उनमें से एक दो नाम आज अभी देता हूँ जो हर काम कर लेते हैं ये लोग। आई मीन एक्टिंग की बात करें तो ज़बरदस्त। अब एक्टिंग में डिफरेंट डायमेंशंस हैं, कॉमेडी है, इमोशनल है, ड्रामा है, और तरह की चीज़ें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर्स, सब करा के देख लिए, सब में ज़बरदस्त हुए। होस्टिंग, वो भी कमाल, स्टेज परफॉर्मेंस देखनी हो तो वो भी आला, सिंगिंग वो भी आला, मतलब कि कोई ऐसा काम, राइटिंग, मैं क्या मतलब कुछ भूल ना जाऊँ यार। तो जब मैं इंटरनेशनल आर्टिस्टों को देखता हूँ, जब वो एक यूनिवर्सिटी से गुजर के आते हैं तो वो सिंगिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, इमोशंस, हर चीज़ की ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे बनते हैं? तो उनमें से एक दो नाम, जैसे मैं अगर आपको नाम बताऊँ, आपकी बड़ी फेवरेट हैं बुशरा अंसारी, मेरी बहुत फेवरेट है, आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं, फिर मोइन अख्तर साहब, क्या पर्सनैलिटी, क्या उनका टैलेंट, तो ये दो तीन ऐसे नाम हैं जो जिनकी कोई मिसाल नहीं है। तो आज हमारी जो गेस्ट हैं बड़ी स्पेशल है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अब मैंने बोला कि ये अकेली आएंगी, कोई साथ नहीं हो, क्योंकि बातें नहीं ख़त्म होंगी ना, फिर बातें, मतलब बातों के लिए दो तीन दिन चाहिए, लेकिन एक छोटा सा पैकेज देखते हैं और फिर इनको बुलाएंगे। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली बुशरा अंसारी। Assalam. Thank
थैंक यू वेरी मच, आने का बहुत शुक्रिया. आपको Thank पता you. है ना मैंने आपके प्रोड्यूसर को क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा मैं इसलिए आ रही हूँ कि मैं एहसन के लिए बहुत उदास हूं. हमें 3-4 महीने हो गए मुलाकात नहीं हो गए और बहुत हम एक दूसरे को मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा चलो आज मेरे पास टाइम भी था, एक दिन ऑफ मिला, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं चली आती. अच्छा आपको ये तो पता ना कि मैं आपको नोटिस करता हूँ, देखता हूँ, एनर्जी मिलती है मुझे आपसे, और आपका जो टैलेंट है ना उससे भी एनर्जी मिलती है. अब ये मुझे बताएं कि इतनी दुबली कैसे हो गई है, पहले ये लोगों को बताएं कि स्मार्टनेस का राज क्या है भाई. हाँ सब कह रहे हैं मैं दुबली हो गई, वैसे सीरियसली मैंने कभी डाइटिंग की नहीं, मुझे आती नहीं करनी, पराठा भी खा लेती हूँ. अच्छा? लेकिन नशा पिछले दिनों से कुछ ओवरवर्क हुई, ट्रैवलिंग भी ट्रैवलिंग रही. हाँ अच्छा. बहुत ट्रैवलिंग रही, और क्या होता है कि मेरी पसंद की चीज़ें ना होना खाने की, मसलन के दाल चावल या सब्जी या कुछ, तो फिर मेरी भूख मर जाती है. अच्छा. अब ट्रैवलिंग क्या होता है, बेचारे जो ले जाते हैं प्रमोटर्स वो तो कहते हैं आपको हम पिज्जा मंगा दें, हम बर्गर खा लें, आप मतलब क्या चाहिए, चाइनीज खा लें. कितनी दफा खाएं आप, 2 महीने ट्रैवलिंग थी और 20 डेस्टिनेशंस पे हम गए थे. माशाल्लाह. मतलब 16 तो अमेरिका में थी और 4 ऑस्ट्रेलिया में थी, तो मतलब मैं और बहरोज थे. मैं तो दोपहर को बिस्किट खा लेती थी, मैं कहती थी नहीं मुझे रात को ही मैं खाना खाऊंगी ना. और रात को भी क्या, जब इवेंट में खाना होता है वो बिरयानियां होती हैं, दैट आई लाइक. फिर मैं कहती थी अच्छा अब क्या करूं, सुबह से नाश्ता ही किया हुआ है, इस तरह करते करते हो गया कुछ ना, मतलब सही है. हाँ, बट ये फीलिंग हेल्दी ना, थोड़ा लाइटर बंदा फील करता है. अल्लाह का शुक्र है. बट आई मीन एवरीवन इज सेइंग कि वेट लूज किया, मैंने कहा नहीं शायद हो गया है. अच्छा ये टूर क्या था, मतलब कोई स्पेशल? एक्चुअली मैं बताती चलूं कि इंडस हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा चैरिटेबल, बहुत अच्छा काम करते हैं. बिल्कुल उनके साथ हम फंड रेज करने गए थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अभी फिर जा रहे हैं और बहुत खौफ आ रहा है, बड़ा लंबा ट्रिप होता है. मतलब फिर जाहिर है कि चैरिटी इवेंट्स होते हैं, लोग बहुत प्यार से वहाँ पे सब अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और डोनेट करते हैं. सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर रहकर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. हम तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं वो हमारे मुल्क से हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. नो डाउट. अच्छा मैं लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको एक पर्सनैलिटी नज़र आती है ना, ये बहुत एक गहरी पर्सनैलिटी है और एक पाकिस्तान का, नॉट दैट यूरोप है, जिन लोगों का वो हम कभी कभी सोचते हैं सुर्ख उसमें रंग में नाम लिखा जाएगा इनका टॉप ऑफ द लिस्ट में, यानी बड़ा बड़ा, शी इज़ वन ऑफ दोज, लिखा हुआ भी है नाम. इतना टैलेंट, इतना काम, क्या ये मनूवरिंग जो करियर की है, यानी कि मैंने ये वाला प्ले करना है, मैंने ये लॉन्ग प्ले करना है, मैंने ये कॉमेडी करनी है, मैंने यूँ गाना निकालना है, मैंने ये अब यूँ करना है, ये मनूवरिंग सोच समझ के की या खुद ही होती चली गई? एक्चुअली मैं नहीं समझती कि मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज सो स्मार्ट मेंटली. वैसे तो बहुत ही स्मार्ट थी, ओवर स्मार्ट थी, लेकिन शुरू में कुछ काम की भरमार भी हुई और अल्लाह का फजल है कि मुझे कभी किसी काम के लिए किसी से कहना नहीं पड़ा. ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है जो मैंने अब रियलाइज़ किया कि ये है. एक दफ़ा मेरी अम्मी मुझे टीवी पर लेके गई थी बच्चों के प्रोग्राम में, वो दिन और आज का दिन है, मैं हूँ और अल्लाह का फजल है. लेकिन उस वक्त जब मैंने बाकायदा ज़्यादा काम करना शुरू किया तो मेरे पास, मैं मैरिड थी, बच्ची गोद में थी, तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी थी. मैं सब काम नहीं ले सकती थी, मैं कोई काम लेती थी जब बच्चों बच्ची के साथ मैनेज किया, फिर दूसरी भी आ गई, फिर स्कूल के टाइम में, तो शायद वो लगा मुझे कि मैं हर इम्पॉर्टेंट चीज़ में होती थी तो इसलिए मैं नज़र ज़्यादा आती थी. जबकि मैंने PTV के 20 सालों में सिर्फ 5 सीरियल किए या 13 किस्तों के, कुछ भी नहीं ड्रामा. लेकिन वो इतना एक नक्श छोड़ गए ज़हनों में लोगों के, वो मतलब वो पुराने ये होते थे इस तरह के प्लेस के जो, फिर ये था कि जो म्यूजिक प्रोग्राम होता था मैंने उसमें गाना होता था. अच्छा जो अवार्ड शो होता था मैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, होस्टिंग भी. हाँ तो जो भी चीज़ें, ईद का स्पेशल प्ले होता था या किसी नेशनल डे का स्पेशल प्ले होता था मैं उसमें होती थी. तो मैं बस उसी तरह ना बच बचा के काम करती थी. मेरा ख्याल ये, अब तक लोगों की शायद इस बात पे हैरत होगी कि मैं अपने काम को सिर्फ 20% दे सकी व्हेन खाना भी खुद पकाती थी, सौदे भी लेके आती थी. अब सुन ले आप लोग, आप देखते हैं आप लोग एक वो देखते ना एक चेहरा बड़ा ग्लैमरस था ये जो, इसके पीछे वो बच्चों का सुबह सुबह उठा के उनको स्कूल छोड़ना, ड्राइविंग खुद करनी, स्कूल से लाना, उनको ट्यूशन पे पढ़ाना, खाने पकाना, और उसके बावजूद एंड देयर डॉटर्स आर अमेजिंग, माशाल्लाह अमेजिंग फैमिली, और अभी भी अपने बच्चों को, ग्रैंड किड्स को टाइम भी देना, उनके लिए आज भी बहुत कुछ करना. अभी अभी आई ना और अभी फोन उनको किया कि फलाने ने नहा लिया है, छोटे को नहला दिया छोटी को, क्योंकि नरिमान इज हियर आफ्टर 3.5 इयर्स फ्रॉम कनाडा. अच्छा. तो मेरा दिमाग उधर भी लगा हुआ है, शूटिंग पे भी जाना है, बाल भी लहराने हैं, पॉलिश भी लगानी है, लैशेस भी लगानी है, और बच्चों को भी देखना है, उनकी उनकी पैकिंग होगी, उन्होंने कल लाहौर जाना है, तो वो सब चीज़ें भी है.
लेकिन जो मैं ग्रोसरी करती थी या ड्राइविंग करती थी उसकी बड़ी वजह ये थी कि बच्चियों के साथ में मेल सर्वेंट्स नहीं रखती थी। सही, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल आप देख रहे हैं क्या चाइल्ड अब्यूज का जो बड़ा एक मसले मसाइल है। आप मेल सर्वेंट को के पास बच्चियां या बच्चे भी नहीं अपने छोड़ सकते, तो मैं तो लड़कियां छोड़ ही नहीं सकती कभी भी। मैं रखती थी छोटी मोटी लड़कियां, यंग मेड्स को रखती थी, तो उनको मैं बाहर सौदा लेने नहीं भेज सकती थी। उनकी भी फिक्र थी ना कि उनको मैं भेज दूं सौदा लेने, अब मैं जा रही हूँ धनिया लेने, मैं भिंडी ले रही, तो मुझे एक दिन रुबीना अशरफ कहती है, हम लोग करीब रहते थे, कहती तुम क्या सब्जी के ठेले पे खड़ी थी। मैंने कहा तो फिर कौन लाएगा, तो क्योंकि बच्चों के अब्बा ने कहा कि मैं ये काम नहीं, मैं ये गंदे काम कभी नहीं करूंगा। उनके चूंकि भाई भाई करते थे, उन्होंने कहा मैंने नहीं कभी ग्रोसरी की, और मैं जैसे बड़ा करती थी, मेरे पास भी मम्मी के घर नौकर चाकर थे, बट समबडी हैज टू डू इट। स्कूल जिंदगी की गाड़ी को आगे तो बढ़ाना है, बच्चियों को ट्यूशन छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है, सब कुछ खुद, चाहे सुबह 4 बजे सोना है, उनको छोड़ के आके फिर सो जाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल मल्टीटास्किंग आपने की जिंदगी में, हाँ। तो आजकल तो खवातीन के पास नौकर चाकर भी होते हैं, काम भी सारा कर, फिर भी वो ऐसे पड़ी रहती है, क्या है यार, आप में कोई स्पेशल एनर्जी, ये कोई पेरेंट्स से आप में आई ट्रांसफर हुई, कोई घर का माहौल? मेरी अम्मी जो है ना वैसे तो हाउसवाइफ थी, मगर मुझे लगता है कि बगैर किसी टास्क के वो मल्टी टैलेंटेड थी हमेशा। एक हाउस वाइफ थी, बहुत अच्छा खाना तो पकाती थी, 5 बच्चे माशाल्लाह सबके, उन्होंने स्वेटर बुनने होते थे, अच्छा। हम सब ने उनके हैंड नेटेड स्वेटर्स पहने, अच्छा, अच्छा। कपड़े भी सी लेती थी हमारे, अच्छा। मुझे लगता है हमारे ज्यादातर कपड़े वही सीती थी, यूनिफॉर्म भी सिल रहा होता था, एवरीथिंग शी यूज्ड टू स्टिच, ओके। एम्ब्रॉयडरी भी उनको आती थी, उनके पास वो भी मशीन थी जो पाँव से चलती थी कढ़ाई वाली। अच्छा, मैंने भी सीखी क्रोशिया बुनना, एम्ब्रॉयडरी सीखी, वो कढ़ाई वाली मशीन भी सीखी, तो अम्मी तो पेंट भी करती थी और अम्मी तानपुरा लेके गाती भी थी। तो और आपके अब्बा ने उनको सिखाया, हाँ, मेरे अब्बा ने उस्ताद रखा उनके, हाँ। लिए, और मेरे अब्बा नहायत ही पढ़े लिखे, नहायत ही निकट्टू इंसान थे। वो कहते थे मैं तो बिल्कुल ही सुस्त थे गावा, मैं सिर्फ लिखना पढ़ना हो रहा, मैं कुछ नहीं करता। अम्मी मेरी ग्रोसरी भी करती थी, अम्मी मेरी स्मार्ट भी थी, साड़ियाँ पहनने वाली एक स्टाइलिश औरत भी थी, ये नहीं कि कोई फत्तो मासी थी। तो मेरा मतलब इतने सारे टास्क 5 बच्चों के साथ एक औरत पूरी करी, तो शायद इनहेरिट किया है कुछ। अस्मा भी ऐसे ही है, सभी और अपने घर के साथ साथ अपने कामों को भी, पता नहीं कैसे कैसे अपनी पहचान भी कर रही है। आप इतना तैयार रहते हैं, तैयार होने का शौक है आपको, अच्छी लगती है, मतलब अच्छे वे में अच्छा लगता है, ऑलवेज सी यू वेयरिंग चूड़ियां ये वो। बल्कि मेरी बेटी नरिमान इज वेरी बोहेमियन टाइप, वो बिल्कुल कैफ्री है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो इंतजार कर रही है कि कब उसके बाल सफेद होंगे। अच्छा, तो मैं सफेद छोड़ देंगी। हाँ, वो मेरे वालिद पे है ना, और एक फत्तू है ना, इसका नाम फत्तू है, तो उसको एक कपड़े मैं बनाती हूँ, शी इज केयर फ्री, नेल पॉलिश 6 महीने बाद अगर मैंने कह दिया तो उसके चेंज कर लेंगे। जब मैं लास्ट टाइम टोरंटो गई थी तो जो मैंने पेडिक्योर कराया था वो मैंने अब दोबारा करवाया, तो वो मेरे वालिद पे गई, क्योंकि मेरे अब्बा भी ऐसे थे, खद्दर पोश टाइप नहीं होते जो बिल्कुल खाड़ी के कपड़े पहनने वाले, तो मैं उसको आज सब दिखाती, मैंने कहा देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां बेटे आप भी, कहती मुझे स्टील वाली है तो दे दे, वो सिंपल सी जो है ना, कि एक दफा पहनो तो फिर कभी उतारो ही ना। अच्छा, उसकी नेचर में नहीं उसकी है, नेचर में नहीं, वो जरा किताब पढ़ने वाला बच्चा है, वो इंटेलेक्चुअल बच्चा है। हाँ। छोटी वाली है, मीरा मॉडल भी करती है। हाँ, मीरा इज अ वंडरफुल मॉडल, आई थिंक शी इज वन ऑफ द प्रीटीस्ट मॉडल। हाँ, माशाल्लाह शी इज प्रीटी, बस वो भी, लेकिन ये कि जब कहीं जाती है तो उसको तैयार होने का पता है, लेकिन नरिमान को तो आप चाहे किसी शादी पे ले जाए ना, वर्ड की चप्पल में खुशी पूछी चली जाए। अच्छा, सही, आपको थोड़ा और तैयार, मैं कहती हूँ बेटे बच्चे की एक सॉक्स उसकी पीली और एक नीली है, तो कह लेगी अम्मा यहाँ कौन देखता है, बूट जूतों में बंद हो जाएगी टोरंटो में ना। मैंने कहा लेकिन मेरी तो, हम किसी के घर गए उसने जूते बाहर उतार दिए, मैं ही उठी ना कि एक हरी चुराब पहनी हुई मेरे ग्रैंडसन ने और एक नीली, वो कहेंगे नानी को तो देखो जरा हर चीज मैच की नानी फुल तैयार है और बस। अच्छा, थोड़ी देर में मैंने नारी को ऐसे देखा ना, तो देखा तो उसका मियां उमर जो है ना वो भी एक नीली और एक हरी की चुराब था। कहती अम्मा हमारे पास ऐसे ही है, हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास है तो आप हमारी लॉन्ड्री सॉर्ट आउट कर लें। मैंने कहा अच्छा, मैं उनकी एक नीली जुराब में नीली और पीली में पीली और लाल में लाल बैठने में शाम तक मुझे रोना आ गया। मैंने कहा मैं कितना ये क्या कर। वैसे ये होता है लड़कियों में, वो मेरी भी जब मदर इन लॉ आती है ना, फिर वो अपनी बेटी को डांट भी देती है और चीजें भी सॉर्ट आउट करी थी, फिर वो मेरी बीवी को ये लग रहा होता कि उसने कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं, सारा कुछ तो अम्मी आपको आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, घर में बहुत प्यार वाला माहौल था, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, आपस में जुड़े, मुझे ऐसे लगता है आपकी नेचर को लेकर मोहब्बत, आप बातें भी करती हैं, लोगों से प्यार भी करती हैं, लोगों में ट्रस्ट आप जल्दी करती हैं, और आप हैं बड़ी मासूम, ये शायद आपको भी नहीं पता। नहीं, मुझे कुछ पिछले दिनों किसी और ने भी कहा है। नहीं, आप मतलब मैं, हमारा जो व्यूअर होता है ना, जो तजर्बा लोगों का, आपका हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कुछ नेचर्स होती हैं इंसान की, आप अंदर से ना एक इंतहाई मासूम लड़की हैं। नहीं, दूसरा लफ्ज देखे कितना अच्छा लगा एक्चुअली। और आपको इजीली, जैसे किसी को अगर पैसों की जरूरत होगी या कोई परेशान होगा, वो आपको इजीली यूज भी कर जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, ये देखें,
मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, मैं पता क्या किसी हद तक सही कह रहा हूँ? एक बड़ा पुराना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई मैं अपने आप को तो इतना मासूम तो नहीं कहूँगी, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू, लेकिन मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि मुझे मासूमियत में और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे कई जगह पता भी चल रहा होता है कि कोई मुझे मुझसे जो भी कुछ एडवांटेज लेना चाहता है या किसी को परेशानी है। मैं करने इसलिए देती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है भरोसा करना, ठीक है, आई लाइक इट। मेरा शायद ये कोई सेल्फिश रीज़न समझ ले, मुझे ज़्यादा शक शुबा वहम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं शायद सुस्त इस मामले में हूँ, क्योंकि मुझे सोफे के पीछे जाके ये सोचना पसंद नहीं है कि पता नहीं ऐसा ने जो बात की थी उसका मतलब ये तो नहीं होगा, वो होगा। आई डोंट लाइक इट एक्चुअली, चाहे उसका मतलब कुछ हो भी ना हो, लेकिन मैं इस तरफ जाना नहीं चाहती। मैं अपनी गुमी हुई चीज़ ढूंढना नहीं चाहती। मेरी कोई चीज़ गिर जाती है, मैं कहती हूँ अच्छा चलो मैंने पहन ली थी, एक तरफ की बाली गिर गई, अच्छा कोई नहीं पैसे पहन लिए, दफा करो। सिवाय इसके कुछ सोने की चीज़ गुम जाए थोड़ा सा अफसोस होता है, या चोरियाँ बहुत हुई हैं मेरी डायमंड्स के सोने की चीज़ों की, लेकिन मैं शायद अपने आप को सुस्तुल वजूद ही कहूँगी कि मैं ज़्यादा डेप्थ में जाके लोगों के बारे में जजमेंट नहीं चाहती कि मैं अपने आप को उस टास्क में डालूं कि पता ही लग जाए किसी के बारे में, जो इमेज है बस रहने ही दो, और मैं सेफ रहती हूँ ना, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर करती हूँ, ना मैं उनके बारे में इधर से उधर करना चाहती हूँ, गलत या सही जो भी हो। हम लोग कितनी बातें करते हैं, और मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत मजे की है जिंदगी। मैं और आप बैठते हैं, हम कितने लोगों की बुराइयां करते हैं, कभी भी नहीं, नहीं करते ना, अपनी बातों से। हाँ, इतने मजे की चीजें हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए, मजाक है, म्यूजिक है, इसके डांस पे मैं मर रही होती, हर जगह मुझे खड़ा करके नचा लेता है। तो मेरा मतलब है इसके अलावा मैं हर शो में ना ढूंढ रहा था कि ये बुशरा जी कहाँ बैठी हुई है, मुझे सामने नजर आ जाती परफॉर्म करते हैं, भागता फिर उनको उठा के। इस दफा क्या हुआ जो इस दफा तीन ही आपको मेरे से पहले मुझे पीछे ले गए, तो ये लोग क्या आपकी आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद वापस कर दिया। मैंने कहा हाय हाय मेरा मोमेंट चला गया। मैं आगे पहुंचा और मैंने देखा अदनान सिद्दीकी बैठे, मैंने कहा इसको नहीं उठा रहा अभी अदनान, मैं बुशरा जी का है, कहां है यार वो थी? तो है ना, तो हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट। So, मुझे लगता है कि ये जो है ना दूसरों पे शक करना एक मुसीबत होता है। ठीक है, फैमिली में इतनी मोहब्बत मिली, आपने देखा एक आइडियल रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स का था, यानी बहुत जो एक मियां बीवी में रिश्ता जैसे होता है, इज्जत का, एहतराम का, प्यार कम होता आपको है। कम होता है। मगर आप जब उस घर से निकली और व्हेन यू फेस द वर्ल्ड, तो थोड़ा सा एक शॉकिंग था आपके लिए कि ये तो रियलिटी कुछ और है? ये एक्चुअली हम चारों के साथ हुआ, हम चारों बहनों, बल्कि हमारी बाजी नीलम जो लिखती है, राइटर है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा अफसाना यानी आर्टिकल लिखा था अब्बा के जाने के बाद, उसका नाम था अब्बा पिया। अब्बा वॉज आर हीरो, द फर्स्ट मैन इन आर लाइफ, ही वॉज अ वेरी फेयर पर्सन, बहुत एक ईमानदार आदमी थे, सच बोलने वाले थे, सच लिखने वाले थे, सहाफ़ी थे, बड़े मशहूर और इंटेलेक्चुअल थे बड़े, अपनी बीवी से वफादार थे, अपने काम से वफादार थे, अपने मुल्क से बहुत वफादार, हर वक्त उनको पाकिस्तान का गम लगा रहता था। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, चलो ये सब देखने से पहले वो चले ही गए, जो कुछ और हमने देखा है। सो हमने एक बहुत फेयर आदमी देखा और जो बहुत निडर देखा, बहुत सच बोलने वाला देखा, कोई घर में धोखा झूठ फरेब नहीं था। हाँ, अब्बा वो टेम्परमेंटली डिफिकल्ट, गुस्से वाले थे, अच्छा। उनके कुछ सेट रूल्स थे, उससे हमारी जान जाती थी, तो मगर उसके अलावा कोई बल्फ, जो पंजाबी कहते हैं बल्फ फरेब नहीं था, नहीं था। जो एक असूली आदमी होता है उसके एक सेट रूल्स होते हैं और वो चाहता है कि हर चीज सही सही रहे। हम तंग भी होते थे, ये नहीं कि हमें कोई मतलब, हमें 5 बजे के बाद कहीं निकलने की इजाजत नहीं थी, किसी सहेली की सालगिरह पे जाने तो हम अच्छा किया ना, इतनी चुलबुली लड़कियां के निकल जाती तो फिर क्या होता है। अच्छा, खुद वो म्यूजिक के इतने शदाई थे, बीवी को उस्ताद रख के दिया, हमें सिखाया नहीं। अब वो कहते थे मेरी बेटियां खूबसूरत है, मैं इनको चारों को सिंगर बना के मैं क्या करूंगा इनका। हाँ। उनका लॉजिक अच्छा, सही था। अब इस तरह की चीजें, लेकिन हमने जब बाजी ने लिखा अब्बा पी, अब्बा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि दुनिया में जब आप बाहर निकलते हैं तो मुख्तलिफ लोगों से जब जाहिर आपका इंटरेक्शन होता है, शादियां भी जहां हुई उनके अपने बैकग्राउंड थे, उनके अपने माहौल थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज थी, वो हमेशा मैच नहीं होती हैं। और वैसे भी लड़कियां ज्यादातर अपने वालिद को ही आइडियलाइज करती हैं, ठीक है, लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि भाई आप सब लोगों को एक जैसा तो नहीं दुनिया में मिलते लोग, और जाहिर है डिफिकल्टीज होती हैं, अपने घर से लड़कियां निकलती हैं तो एक और माहौल होता है, एक और आदमी होता है। फिर ज़्यादातर मैंने देखा है मर्द जो है, मतलब सबको नहीं कहती, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो लड़कियों के अपने वालिद से जो अटैचमेंट है उससे थ्रेटन फील करते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग अब्बा अब्बा करते थे, हम अपने वालिद को बहुत मोहब्बत करते थे, तो शायद वो सबके लिए इतना हसीन नहीं होगा। ऐसे ही कई लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, आप सही ऐसे ही है, जैसे कोई लड़का अपनी माँ के अलावा किसी की बात ही ना करे। लड़के भी माँ की तारीफें करते हैं। हाँ, लड़के कहते हैं हमारी माँ जैसे करेले नहीं तुमने पकाया और लड़की कहती है मेरे बाप जैसी आदत नहीं तुम्हारी। ये होता है, इट्स नॉट, ये इट्स नथिंग न्यू, लेकिन वो फिर चीजें जरा ज्यादा और डिफिकल्ट हो जाती है तो फिर आपकी लाइफ फंक्शनल नहीं रहती है।
कि अगर आपको हर बात पे लगे कि मुझे ये ठोकर भी लगी है, क्योंकि तो ये होता है कि हाँ आपके अब्बा को भी लगती है इससे, आप लोग जो हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम्हारी अम्मी की तो आई थी तो उन्होंने कहा होगा, या लड़कों को भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये आओ हो या आप इस तरह से जो आपके यहाँ आदत है ना, ये आपके वालिद से आई है ना, क्योंकि ये चीज फिर तंग करती है, परेशान करती है। मतलब ये ताने बन जाते हैं ना, हाँ, ताने का लफ्ज मैंने यूज नहीं किया, लेकिन तो ताने ही हैं छोटे छोटे, तो ये एक दूसरे के लिए दिल में एक वो भी पैदा कर देते हैं कि आपको बुरा लगने लग पड़ता है। लेकिन मैं अब पता क्या देखती हूँ कि आपकी जनरेशन के या आपसे यंगर जनरेशन के लड़के ये बातें नहीं करते, नहीं होती। जो हमारी जनरेशन के लोग थोड़े कंफ्यूजन में थे और उनको लगता था कि भाई हमें ये जो भी लड़की आई है, जो भी किसी की, इसमें अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है, लेकिन इसमें फलां चीज जो उसकी माँ जैसी है ठीक कर लेंगे हम लोग। घर वाले भी सोचते हैं चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम इसको ठीक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी ना। तो वो आपने जब एक लड़की को लाए, उसको वक्त दे, वो खुद ही सही होगी कई चीजों में। वो जो सो के नहीं उठ रही 12 बजे तक, जब उसका बच्चा सुबह 6 बजे उठाएगा, वो उठ के खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और हो गए हम खड़े। मेरी नानी देख के हैरान होती थी कि तुम वही हो जो 12 बजे बेल बजाती थी ऊपर से खनसामे को के ट्रे लेके आओ और तुम तो खड़ी हो। तो ये लड़कियां खुद हो जाती है, लड़कियों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अच्छा, आपकी क्योंकि एक शोबिज़ पर्सनालिटीज कोई भी होती है, स्पेशली आपकी तरह की और हमारे जो बड़े पॉपुलर लोग हैं, तो लोग क्यूरियस भी होते हैं, इंक्विजिटिव भी होते हैं फैमिली लाइफ के बारे में। कोई ना कोई आर्टिकल, कोई कुछ लग देता है, कोई कुछ लग देता है। आप क्योंकि आई एम अ फ्रेंड एंड आई नो यू सो वेल, लोग आपको उस तरह से नहीं जानते, उन्होंने एक सर्टन पर्सनालिटी देखी भी है, कुछ ना कुछ आता रहता है। आप क्या अपनी डिवोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहती पब्लिकली, या आपने किसी को बताया नहीं? एक्चुअली बहुत साल हो गए इस बात को, और हमारा जो पूरा क्लैन है, जैसे हम लोग हैं, मेरी दोस्तें और हैं, रुबीना अशरफ हैं, समीना अहमद हैं, सबा हमीद हैं, बद्दो हैं, उज्मा साहिबा हैं, उज्मा गिलानी साहिबा, तो ये एक पूरा, हम तो वो तो खैर हमसे बहुत सीनियर है, हम तो उनको देखकर हम काम करते रहे, उनको देखकर हमने आइडियलाइज किया। हमने फैमिली लाइफ, बच्चों के साथ एक अच्छे इमेज के साथ, PTV के ज़माने में ऐसे था, शकील साहब हैं, बहरोज़ हैं माशाल्लाह, तो हम लोगों की एक फैमिली लाइफ की एक ड्राइंग है जो कि सबके सामने है। और उसमें जब कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है तो लोग, चूँकि मैं लोगों को ब्लेम नहीं करती, मुझे गुस्सा भी नहीं आता, इसलिए कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक ज़माने में, अब तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी के पर्सनल बात करती नहीं थी, जमाल शाह और हमारी फ़रियाल कितने प्यारे दोनों कपल थे, इस तरह ताहिरा सैयद और नईम बुखारी साहब खूबसूरत कपल थे। जब वो अलग हुए, लोगों के दिल टूट गए, दुख लग गया लोगों को। किसी ने किसी को बुरा नहीं कहा, ना लोगों ने कहा कि ये बड़ी ख़राब थी या वो बड़ा ख़राब था, किसी को पता भी नहीं होता पर्सनली किसकी क्या प्रॉब्लम है। वो एक्टर्स की, वो सिंगर्स की ही नहीं होती सिर्फ, वो बैंकर्स की भी होती है, इश्यूज डॉक्टर्स की जिंदगी में भी होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो मुझे लगा कि ये ऐसी पर्सनल बात आवाम से शेयर करने की ज़रूरत नहीं। सही, मैंने ज़रूरत महसूस ही नहीं की कि, या खुदा ना खास्ता उन्होंने भी नहीं की। बाल अंसारी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं होती, आप कोशिश करते हैं। एक 36 ईयर्स एक शादी चलाई, दोनों ने चलाई, मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी अजीम हूँ और वो अजीम नहीं है, दो लोगों ने कोशिश की। ये भी होता है कि दो इंटेलिजेंट लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनका बड़ा मुश्किल होता है कंपैटिबल होना। अब शायद किसी ने ज़्यादा कोशिश की हो, किसी से ना हुई हो, लेकिन दोनों ने एक शादी चलाई, बच्चे बड़े किए, उनकी शादियाँ की, बल्कि नवासे भी माशाल्लाह हुए। फिर एक जगह आई तो लगा कि बस अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो वो एक बरखल इस बात को तो 5 साल हो गए, वैसे मसाइल को तो 15 साल ही हो गए, लेकिन फिर ये इसको हमने डॉक्यूमेंट किया मगर 4-5 साल पहले किया। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कोई दुकानदार हैं उनको बताऊं, या मैं बाहर जो ट्रैफिक पुलिस है उनको पता चले, या जो हमारे गेट पे चौकीदार बैठे हैं वो परेशान हो, या वो डिस्कस करें। हमारा वो टाइप नहीं है एक्चुअली, तो हमने कभी इसका ऐलान ही नहीं किया कि ये यूं है। तो इट्स योर पर्सनल थिंग एंड इट्स योर चॉइस कि आप उसको किस तरह से शेयर करना चाहती हैं या नहीं करना। और किसी को नजर आ रहा है, मेरे तो सारे दांत ही बाहर होते थे हमेशा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने, आपने जैसे कहा 15 साल, तो हमने तो आपको 15 साल या 10 साल या 5 साल में भी कभी एक दिन भी इस तरह से नहीं देखा कि कोई जाती जिंदगी में प्रॉब्लम है। हम सेट पे काम भी कर रहे होते थे, हंसते खेलते, ड्रामे भी कर रहे हैं, पूछ ले इनसे, मैंने कभी भी never, आपको, कभी never. एक लफ्ज नहीं कहा कि मेरे ससुराल में ये मसला है या मेरे हस्बैंड में, क्योंकि हम लोग इसके बियॉन्ड जाते ही नहीं है। और कुछ चीजें आप अपने पास रखते हैं और वो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं तो आवाम पे कहती हूँ कि लोगों को मैं दुख नहीं देना चाहती, वो मुझे हंसता हुआ देखते हैं और उनको अच्छा लगता है तो ठीक है। ये तो कुछ पिछले सालों में ये हुआ है कि किसी की तलाक हाईलाइट हुई है, तो किसी की शादी हाईलाइट, तो किसी की लड़ाई हाईलाइट हो गई है। ये हमारे उसमें से बाहर है, हमारे समझे आइडियोलॉजी से बाहर है, हमारे ज़माने में ये नहीं होता था।
अब तो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा कहा जाता है जो क्लिप निकल के वायरल हो जाए, वो बुरी बात है जो सोशल मीडिया जिस तरह से इस बात को लेता है। सही, वो बुरी खुद से लिख देते ना लोग जो उनका दिल। जैसे अभी हमारे सायरा और शरोज में कोई प्रॉब्लम है, लोगों ने पहले से एज्यूम कर लिया, अगर उनको अनाउंस करने दें, उन्होंने कोई टाइम लिया अगर एक दूसरे से, तो आप कौन होते हैं भाई। सही है, और खुदा ने फिर एक लड़की को साथ जोड़ भी दिया कि इसकी वजह से हुई विदाउट एनी प्रॉपर यू नो लाइक कोई बात है, कोई अनाउंसमेंट तो हो। देखिए ऐसा अगर मैं 5 साल पहले बताती ना कि जी मैं बड़ी कोई मतलब बेचारी, तो उसके बाद आपके साथ भी मेरा नाम आ जाता और शायद शकील साहब के साथ भी आ जाता। उन्होंने कुछ नहीं देखना था कि कौन मैच हो रहा है तो कौन नहीं है। सही है। तो फिर 4-5 किस्से जिसके साथ भी खड़े हो जाए तो मर्जी थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के लिए उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा एक चीज मैं, क्योंकि लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी बहुत सी खबर, अब देखें आप बहुत से लोगों की ना खवातीन की एक स्ट्रॉन्ग वुमन क्योंकि आप हैं पाकिस्तान की, आपकी जो एक मिसाल है वो कम मिलती है कि आपने काम भी किया, आपने बच्चे भी पाले, आपने अपना जो स्टैंडर्ड और रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी मेंटेन की, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत सी खवातीन आपको फॉलो, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो किसी भी रिश्ते में जब इंसान बनता है तो क्या ये वक्त वक्त की बात है कि दूर जाने में अगर आप अनकम्फर्टेबल भी दूर जाने में टाइम लगता है, क्या आप मार्जिन दे रहे होते हैं अपने आप को? हाँ ऐसा है कि हमारा जो ज़माना था, मतलब हमारे ज़माने से ज़ाहिर है 40 साल पहले शादी हुई थी ना, तो हमारे, हालांकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा था कि बेटी वहाँ से मर के ही निकलना। हम उस फैमिली से नहीं हैं, हम प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे लोगों में से हैं, जिसमें मेरे वालिद का एक जुमला मैं नहीं भूलती कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करना लेकिन ज्यादती सहना भी। अब वो चारों बेटियों को ये कहा गया था और इसमें कोई शक नहीं है कि कभी भी ये नहीं कहा कि तुम बस फिर मर ही जाओ वहाँ पे बेटे, हम तो हाय हमारा खान नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमने शादियाँ चलाई जितनी चल सकती थी जो भी है, और कोशिश यही होती है कि एक घर बना है और बच्चे हैं, तो इमेज के अलावा अपनी भी अटैचमेंट भी होती है। आप एक इंसान से अटैच होते हैं तभी आप उसके लिए इतना कुछ करते हैं, आप उसका खाना पकाते हैं, आप उसके बच्चे संभालते हैं, उसके साथ लाइफ में सब कुछ कोऑपरेट करते हैं। उसकी ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छा रहा, अल्लाह बख्शे उनकी वालिदा जो थी मुझे बहुत दुआएँ देती भी गई हैं क्योंकि मेरा बिहेवियर ठीक था। इसी तरह उनकी बहनें भी मेरे साथ बहुत खुश थी, तो मैंने कभी, और वो भी बेचारे अच्छे थे मेरे साथ, कोई उन्होंने कोई मेरी, मैं कहूँ जी नंदों की वजह से तो फलाने के नहीं, और कभी भी मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। मेरे दोस्तों को भी पता है मैंने कभी नहीं कहा कि इनकी वालदा की वजह से, नो आपस में प्रॉब्लम्स थे, दूसरों के प्रॉब्लम नहीं थे, हमेशा दूसरे ही लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। सो मेरा ख्याल यही है कि आप कोशिश करते हैं प्रोलॉन्ग करने की, लेकिन अब कभी कभी मैं ये कहती हूँ कि इतना प्रोलॉन्ग भी नहीं करना चाहिए। फिर मैं ये भी साथ सोचती हूँ कि फिर शुरू में अगर सब शादियाँ तोड़ दें तो कोई शादी भी नहीं चलेगी। दो तीन तीन साल में आपने एक बच्चा एक बंदे का उठाया हुआ है, एक दूसरे का उठाया हुआ है, एक तीसरे का उठाया हुआ है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है। तो आप देखते परफेक्शन तो कहीं नहीं मिलती, आप में भी तो है ना, मतलब मैं भी परफेक्ट तो नहीं होंगी ना, मैं तो ये नहीं कह सकती, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम होंगी। तो फिर आप कहीं तो सेटल होते। अब मैं कहती हूँ आउट ऑफ दैट 36 ईयर्स मैं एक पॉजिटिव बात करती हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले भी कर रही थी कि मैं एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रही। हर वक्त मेरे साथ एक हस्बैंड था जो मेरे फील्ड में था, जिसको कि मेरे पे ट्रस्ट भी था, मेरे साथ काम भी करता था, और वो नहीं भी होता था तो उसका नाम था मेरे साथ। कोई मेरे साथ ना तो मुझे किसी ने कभी फ़ोन पे तंग किया, ना कोई मेरे घर पे बैल बजाने आया। मैं अकेली भी रहती रही हूँ काफ़ी साल, तो किसी ने मुझे इस तरह से आके नहीं, कि जैसे अकेली लड़कियों को औरतों को परेशानी होती है, होती रही है। और बच्चे वर ओके विद एवरीथिंग, बिल्कुल ठीक है, बच्चे समझ गए हैं और बच्चों के मियां भी समझ गए हैं, बिल्कुल सही है, और एक बड़े हेल्दी, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल बिट आल्सो, यंगर लॉट आर मोर, वो अब कनाडा में ज्यादा होते हैं क्योंकि वो वहां पे एक तो थोड़ा सा उनका कुछ आंख का इशू था तो उनको वहां अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, नरीमान के साथ रहते हैं। मैं जाती हूँ, मैं जब खाना पकाती हूँ उनके आगे भी खाना रखती हूँ, जाहिर वो भी कह रहे थे कि अभी अम्मा से सीख ले मछली कैसी बनाई थी, उनको उनकी मछली बहुत अच्छी है। तो एक जाहिर है जिंदगी गुजरी है, ये थोड़ी पढ़े लिखे लोग हैं जी, हाँ जी। वो मुझे बल्कि कह भी रहे थे पिछले दिनों, मैं ट्रैवल इतना करती कि अपना ख्याल रखें भैया, आप तो बहुत ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल में, ये तो सेहत भी देखनी चाहिए अपनी, और आप इस उम्र में इतना काम क्यों कर रही हैं, मुझे कह रहे थे। सो आई ऑल्सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, रिश्ता भी है वो सब ठीक है जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, जो एक्ट्रेस आपको लगती हो कि पाकिस्तान में आपने जिसको देखा और कहा कि भाई ये बड़ी आला किस्म की एक्ट्रेस। देखिए अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनसे मुलाकात हुई, उज्मा गिलानी साहब, हाँ। जो हम सबकी अल्टीमेट है ना, हाँ। तो वो मुझे कहती है कि मैं कोई शो देखूँ ना देखूँ
तो सब मुझे बताते हैं कि जब तू कोई बात करती है तो तू मेरा नाम जरूर लेती है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना लूं आपका नाम। हम तो यूं देखते थे उनको और वो उनकी आवाज, उनका एक्सप्रेशन, क्या पर्सनालिटी थी और पूरा एक चीज, ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, उनकी जेनरोसिटी है कि वो मुझे एक्नॉलेज करती है या प्यार करती है, कहती है बड़ी ग्रेट वगैरह वगैरह। लेकिन सीरियसली जो उनका आवाज का उतार चढ़ाव था, जो उनकी आंख में एक्सप्रेशन था, मैं बल्कि काफी दिन पहले एक बात सोचती थी जब, जो कि बात तो सही, अब ऐसी बात शायद कोई करता भी नहीं है, मैंने भी किसी से काम करके सीखी होगी, कुछ चीज, कुछ फेसेस होते हैं ड्रामेटिक बने हुए, उनके फेसेस जो, उनकी जो फीचर्स होते हैं वो ड्रामेटिक होते हैं, आवाज भी उनको अल्लाह ने दी होती, जैसे कि सबा की आवाज बहुत ड्रामेटिक है, उस्मा गिलानी की है, जैसे खालदा रियासत के पास वो थी एक, कि वो बहुत ऊंचे नोट पर भी बोल लेती थी और जो बेस भी बोलती थी बड़ा अच्छा था उनका। उस रूही बानो जो थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका पता नहीं मर्डर किस तरह हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं उसको मर्डर ही कहूँगी, ये एक अलग कहानी है, मेरे दिमाग में बहुत सवाल है। उनकी भी एक ये बिल्टन थी, उनका फेस ड्रामेटिक फेस था और उनका जो बोलने का स्टाइल था वो कोई एफर्टलेस था। मुझे लगता है कि मैं एफर्ट करके एक्टिंग करती थी, करती रही हूँ, जो भी है, आई मीन मैं आपको अगर जज करूँ, मेरी आवाज़ में वो ड्रामेटिक वैल्यू नहीं है जो बेस वाली आवाज़ में होती है, मुझे आई हैव टू वर्क ऑन दैट। जब मैं बेस में बोलना चाहती हूँ मैं निचले सुरों में बोलती हूँ, वरना मेरी आवाज़ का टाइप श्रिल शार्प है। सो ये कुछ लोग गिफ्टेड थे जो कि ड्रामे के गिफ्टेड लोगों में थे और इन्होंने जो भी काम किया उसने मार्क छोड़ा। सो मैंने शायद इन्हीं लोगों से कुछ ना कुछ पिक किया होगा। ठीक है, अच्छा मेल में कौन सा ऐसा एक्टर आपको लगता है जो बहुत अच्छा रहा हमारा? मेल में नेचुरली जो एक्टर मुझे अच्छे लगते रहे हैं हमेशा, सीनियर्स तो थे ही थे, आबिद भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, और उनसे जो यंगर लॉर्ड्स थे उसमें फैसल रहमान की मैं बहुत फैन। हाँ, he is very unpredictable actor. है ना? हाँ. अब वो काम ही इतना कम करता है, पता नहीं कहाँ रह गया। जब अच्छा, मैंने कभी सोचा उसके लिए कोई रोल तो मुझको ना मिला वो। अच्छा अच्छा, कभी लाइक एक करियर में कोई एक्टर अपनी फील्ड में कोई बड़ा पसंद होगा कि यार ये बस ये हीरो बड़ा आला है? हीरो तो हमारा एक ही है, जावेद शेख। ये देखा, मुझे पता था, मुझे पता था जावेद शेख साहब का नाम है। उसके बाद आप हैं। अच्छा, मैं भी बहुत शुक्रिया, मेरा नाम भी लिया। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अब जब छोटे लड़के के साथ काम करना होता है तो इनका ख्याल आता है, जब बड़े लड़के के साथ काम होता है तो जावेद शेख का ख्याल आता है। अच्छा, वैसे ये एक बात है ना, ऐसा आप में ये अच्छी बात है कि आप जो सीखना चाहते हैं, या ये जब लाहौर से आए थे तो सारे पप्पू हीरो थे ना, और हीरो ही है, डांसिंग हीरो है, डांसिंग बॉय है, तो इनके, इन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो पता नहीं इनको याद है नहीं याद, आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी तरह और मोइन साहब की तरह वर्सेटाइल बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा, आप अभी भी नाम लिया आप दोनों का, है ना, उडारी में जब इनको नेगेटिव रोल हुआ, ऑफर हुआ, तो इन्होंने बड़ा सोचा, मुझसे भी मशवरा किया, मैंने कहा यू मस्ट गो फॉर दिस। और आप देखें, हीरो तो होते ही, मैं भी हीरोइन बनती थी, मैं अक्सर ड्रामों में हीरोइन थी, मेरी मंगनी हो रही होती थी, ये होता था, लेकिन रह जाता है तो कैरेक्टर। मैं 26-27 साल की थी जब मैं आंगन टेढ़ा की जहां आरा बनी थी, जो 60-65 की, वो अब तक याद है आपको, मेरे हीरोइनों वाले ड्रामे इतने याद नहीं है आपको। सही, तो कैरेक्टर जो है वो सस्टेन करता है, ये तो एज तो चली जाती क्या, है। क्या टोन थी आपकी आंगन टेढ़ा में? आंगन टेढ़ा में उर्दू स्पीकिंग जहां आरा बेगम थी ना। हाँ, नहीं, तो टोन कैसे थे? उर्दू स्पीकिंग जैसे थे? वो मैं उसको अकबर को कहती थी, एक तो इस नचैये ने मुझे तंग करके रखा हुआ है, वो था एक बड़ा मजे का। अच्छा, फिर पंजाबी जरा टोन में जो टाके की बारात, उसमें क्या टोन थी? उसका भी उसमें हाथ होता है या आप खुद बनाते हैं? नहीं, देखिए मजे की चीज है, हर चीज की एक कहानी है। बिजली की कहानी ये थी कि वो रोल मुझे इमोशनली साहब ने और अनवर साहब ने ऑफर किया कि बिजली एक है, तो मैंने सोचा बिजली बहुत शार्प होनी चाहिए, तेज लुकिंग और तेज उसकी आवाज एक कान में चुभने वाली। तो एक पुरानी एक्ट्रेस होती थी, नासरा उनका नाम था। अच्छा, उनका बेटा आजकल काम कर रहा है, उस्मान मुख्तार। अच्छा अच्छा अच्छा, यस। तो वो बड़ी प्यारी सी शक्ल की थी। हाँ। और मेरे बचपन में वो बड़े मजे की। Okay. तो मुझे याद था किसी फिल्म में वो ना यू करके बोलती थी तेज तेज, मैंने सोचा somebody should talk like नासरा। Like that, okay. तो वो मैंने किया, तो वो तो और तेज आवाज बना ली, तो वो बन गया कैरेक्टर। Okay. और साइमा चौधरी की इंस्पिरेशन का? साइमा चौधरी की इंस्पिरेशन तो अहमद ने लिखा था, मोहम्मद अहमद ने, आजर की बारात पहला वाला। और नदीम ने मुझे कहा कि ऐसी एक औरत है, तो मैंने जब बनाया उसको, वो इतने मजे का बन गया, तो अहमद का मुझे फोन आया, कहने लगे बुशरा क्या करती है, कि मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था। मैंने कहा फिर आपको फूल पत्तियां लगानी होती है कैरेक्टर में, तो ऑब्वियसली ये राइटर और डायरेक्टर और फिर आर्टिस्ट का अपना एक टैलेंट। और नदीम बड़ी बड़ा बड़ा इंस्पायरिंग था, नदीम बेग हमारे एक लीडिंग डायरेक्टर था, हंसता था। अच्छा, वो हंसते थे तो मुझे और मैं समझे शोखियां करती थी,
उसको मजा आता था, हम सभी हंसते थे आपके उस सेट पर। ये तो हंसना पड़ता है ना, ये तो रोने वाले सीन पे सीन ही नहीं होता इनके साथ तो मेरे से। अच्छा इतनी बातें हैं वो हमें ना, मुझे पिछले 5 मिनट से बोला भाई ब्रेक नहीं लेनी, ब्रेक मेरा दिल कह रहा है ब्रेक लिए भाई, मैं साथ चलता रहा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बॉल नाइट्स विद एहसन खान। ये नदीम बेग के लिए क्या बात है, और ये हुमायूं के लिए, बाकी हमारे आजकल तो माशाल्लाह ये टॉप चला दिए, ऑल ऑफ देम आर नदीम बेग सब सच अ टैलेंटेड डायरेक्टर, हार्ड वर्किंग, एंड हुमायूं भी ऑब्वियसली हमारे वो कहते हैं ना एक फील्ड के जो मेन लोग हैं जिन पे हमें फख्र होता है, ये उन लोगों में से, मतलब दे मेड अस प्राउड। मैंने कहा नदीम तुम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, नो डाउट, और ब्यूटीफुल डायलॉग्स और शायरी भी बड़ी कमाल है, और बहुत मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलकर उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और बिल्कुल बड़ी खुशी होती है। व्हाई नॉट, और हमारी फील्ड ने बुशरा जी कितनी माशाल्लाह तरक्की की है कि इंटरनेशनली आप ट्रैवल करती हैं, कितना लोग मोहब्बत देते हैं, आपको याद है ह्यूस्टन में क्या हो रहा था, और हर जगह पागल किया था लोगों ने, और ये हमने कितनी सबने मेहनत की आप लोगों ने, हम सबने मिलकर, है ना, और हम सब खुश होते हैं एक दूसरे की तरक्की से, इसलिए मैं लोगों को बता रही हूँ कि हम सब एक दूसरे की तरक्की से कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी ऐसे मुझे, आप मुझे तो आती नहीं है। अभी हमारा जो ये सेगमेंट है ना ये बड़ा स्पेशल होता है, लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, इसमें आप क्योंकि हम दोनों ही आज तो और कोई और है नहीं, वरना यूजुअली दोनों गेस्ट आपस में पूछते हैं, तो मैं पूछूंगा और आप मुझे एक्ट करके दिखाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। अच्छा भाई ठीक है, उठ जाओ, ठीक है आ जाए, चलो आ जाए। ओके चलो, नंबर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपके लिए सबसे पहले हम चूज करेंगे नंबर 6। अच्छा नंबर 6, अच्छा आय हाय अल्लाह जी, क्या है, कोई मुहावरा है, कोई फ्रेज है, कोई गाना है, कुछ? हाँ गाना ही है, तो गा के नहीं सुना सकती, बस नहीं गा के नहीं सुना, एक्टिंग नहीं। फिल्म का है, फिल्म का, हाँ फिल्म का है। अच्छा अब पुराना या नया? पुराना है, मेरे बचपन का है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब 100 साल पुराना नहीं इसका मतलब है। अच्छा यही कोई मैं आपने कहा ना मेरे बच्चे पर हिसाब लगाने लगा, मतलब मेरी यूथ का यही कोई 20-25 साल पुराना है, पता लग जाएगा 20-25 साल पुराना, 25-30-35-36 साल पुराना। आप ये कह रहे थे मेरे पैदा होने से पहले का है। अच्छा अच्छा देखते, एक मशहूर गाना ना मुझे मालूम है, मशहूर है हमारी मैडम नूर जहां का, ये तो बता सकते हैं ना, ठीक है, हाँ हमारी फिल्म एक्ट्रेस थी रानी, उन पर इतना भी बता सकते हैं, वो उनकी एक फिल्म मशहूर थी जो जिसमें वो अंजुमन बनी हुई है, अंजुमन फिल्म का, हम लोग डांस करती हैं, पता नहीं। अच्छा चले चलो ठीक है, अच्छा बताए, चले दुखी हो गई, चला गया कुछ लपेट के, कोई ले गया है, बस इसके करीब करीब ही, आप कुछ चोरी करके कुछ ले गया, कहीं से खो गया कुछ, बस यही लुट गया कुछ, लुट गया, लुट लुट रहा है, लुट। ये एक्शन अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, फिर से करके दिखाए, यही तो है, लुट गए, यही तो है ना, हाँ हाँ ठहरे, जो बचा था वो लुटा, या यार मैंने जल्दी पूछ दिया वैसे, ये कौन इशारे कर रहा है, तो नहीं कोई, नहीं कोई इशारे, है तो नहीं कोई, मुझे कोई इशारे नहीं, मैं कैमरे में देख रहा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, आज है नंबर 10, अच्छा 10 पे आ गई, ओहो अच्छा भाई, ये तो लड़कों का गाना है, मतलब किसी लड़के का है, फिर गाना आ गया, और ये भी पुराना है, उससे भी पुराना है, भाई क्यों पुराने गाने इतने रखे, कोई नया गाना भी रखते हैं यार, ये क्या है, सोचा बिल्कुल मेरी टीनेज का है, मतलब अभी कोई पिछले महीने का। फिर तो ये आसे मजर का गाना होगा या नहीं, ये मोमिना मुसेसे में गाना होगा आपकी टीनेज का, जी जी जी। अच्छा अच्छा ये है कि मैं नहीं, दिल 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 फड़क रहा है, दिल फड़क रहा है, दिल को आग लग गई है, दिल जल रहा है, दिल जल रहा है, दिल जल, दिल जला के कोई चला गया, दिल दिल जला ना, दिल वाले नहीं, दिल छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, यार देखिए मेरे Thank you.
नेक्स्ट है आपका नंबर टू। अच्छा जी, ओ अच्छा भाई, गाना ये भी गाना है और हमारी प्यारी पंजाबी गाना है, पंजाबी मलिका का है। जब खुश है ना पंजाबी गाना, हाँ मलिका का है हमारी। अच्छा। जो जगत मलिका है। ओके मैडम, मैडम नूरजहां का। मैं चाहता हूँ थोड़ी एक्टिंग, गले में कुछ अटक गया क्या? अच्छा कुछ पहना हुआ है, जफ्फी डाल रही है दूर से डाल रही हूँ। देखो कोई मेरा हमारी वीडियो वायरल ना करिएगा प्लीज, सोशल मीडिया वालों हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज। मैं नागन डांस भी करूंगी तो दूर से करूंगी। हाँ, अच्छा, आप लोगों से तो भाई डर ही लगता है, अल्लाह माफी करे। हाँ, अच्छा फिर अच्छा क्या गाना बताए दोबारा? देखो ना, सोने दी तवीतरी। गानों को सुन के थोड़ा सा ना जोश भी आता है। हाँ, और क्या, ऐसा कि मतलब बंदा खानदानी वकार खोने को तैयार हो जाता है। अच्छा मुझे बात है, सोशल मीडिया की आपने बात की, थोड़ी सी आवाज आ रही होती है सोशल मीडिया में, लोग कुछ भी लिख देते हैं, बहुत ज्यादा बुरी बात है ना, आप लोगों को कोई सेंस नहीं है। अच्छा चले, हम लोगों को तो इसकी आदत ही नहीं थी ना, हमें पता ही था। आप ये देखे, मैं अब ये आज पहली दफा कह रही हूँ, मेरी आदत थी बचपन से मैं स्कर्ट पहनती। अच्छा मेरे अब्बा के घर में वैसे बड़ी सख्ती थी, लेकिन वो मैं बनवाती थी लॉन्ग स्कर्ट, लॉन्ग बूट्स बनवाती थी। पिंडी में एक चाइनीज था उसके पास, तो एक दिन मैं पहन के जाती, मेरे वालिद कहते ऐ की पाया हुआ है। मैं कह देख लो कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ है कुछ भी नहीं। तो इतना मुझे शौक था, मैं पतली दुबली सी थी हमेशा, मेरी आदत थी। और मेरे हस्बैंड को भी कोई इशू नहीं था, मैं स्लीवलेस भी पहनती थी, मैं स्कर्ट भी पहनती थी, वो पीटीवी पे नहीं पहनती थी, बस पर्सनल लाइफ में। लोगों ने आपको उस तरह से नहीं देखा, पर्सनल लाइफ में पहन लेती हैं। अब हम लोगों की हर वक्त तस्वीरें भी नहीं खींचती थी, हमें बीमारी नहीं थी ये सेल्फियों की। अब ज्यादा हो गया ना, 5-7 साल भी नहीं खींच रहे, कहीं मैंने थोड़ी डाली किसी और ने डाल के खींच के डाल दी। अच्छा ऊपर से अब उसके ऊपर लोगों के पास वो आ गया है कॉमेंट करने का, कि आप किसी को भी कुछ भी कह लेते हैं, आपको क्या पता मैं कितनी अच्छी इंसान होंगी, नहीं पता। लेकिन सिर्फ चूंकि अगर मैंने स्लीवलेस पहना तो आपने कहा कि ये तो बड़ी खराब है, और जो इस वक्त कवर्ड हैं या जिन्होंने यहाँ तक आस्तीनें पहनी, आपको क्या पता वो कितनी जुल्म करती होंगी अपने सास के साथ, हमेशा नहीं, मतलब हो भी सकता है। आपको अंदर पर्सन का पता नहीं, लाइफ तो नहीं मालूम ना किसी की। तो इसलिए ये लोगों के पास ये जजमेंट आ गई है और उनको सेंस नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं अपनी बात तो नहीं करी, लेकिन मैंने और दो चार लोगों को देखा है कि लोग इतने परेशान हैं। अब मैं उस पर देखती हूँ, नूर को कितना परेशान करते हैं लोग। नूर जो हमारी एक्ट्रेस जो है, हाँ हाँ, जिन्होंने हिजाब कर लिया, ठीक है अब कर लिया भैया, आपको पसंद नहीं आया वो लिबास भी उसने पहन लिया जो आपको पसंद था, ठीक है आपके लिए ना पहना, अल्लाह के लिए पहना। अब तो जान छोड़ दे उसकी, कि वो शादी कर रही है या नहीं कर रही है, या उसने कितनी की है, भाई छोड़ दे उसका पीछा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनहेल्दी किस्म की एक एक्टिविटी लोगों को मिल गई है, और लोग किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं। ऊपर से मुझे लगता है उनके पैसे भी बनते हैं शायद इससे। अच्छा वो जब YouTube पे चलाते हैं, खबरें लगाते हैं, तो लोगों को पैसे भी मिलते हैं। लेकिन आपको उससे बेसिक बात बताऊं, सारी बातें हम तो बड़े आम से लोग हैं ना, हमें कोई इतना अपने आप को अजीम समझते हैं ना, हम अपने आप को इतना इस्लामी समझते हैं जितना होना चाहिए, हम बेसिक से मुसलमान हैं। लेकिन आप सबसे पहले देखें ह्यूमैनिटी क्या सिखाती है, दूसरे के साथ सलूक ठीक करें, किसी की इस्लाम भी ये सिखाता है, हमारा मजहब तो है ही ईमानदारी और लोगों का ख्याल रखना और हुकूक इबाद पे, और लोग आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना हो, आप चलते हुए पत्थर उठाएं ताकि किसी के रास्ते में रोड़े ना आए, बेशुमार चीजें। आप बेसिक एथिक्स भूल के आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके ऊपर पर्सनल कॉमेंट करें जबकि आपको उनकी लाइफ का सचमुच पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं होता। तो ये ऊपर से आप किसी का लिबास देख कर उसको समझ लें कि ये बुरा इंसान है या बुरी औरत है या बुरा आदमी है, ये जजमेंट अगर आपके ऊपर कोई पास करे तो आपको समझ नहीं आएगी अब आप छुपे कहाँ। लेकिन चूंकि आप तो मेज के नीचे बैठे हुए, आपको तो कोई जानता ही नहीं है, और बल्कि डीपी पे तस्वीर भी नहीं होती अपनी, नहीं वो भी किसी औरों की। ये तो ज़हनी मरीजों का एक जत्था है जो कि दूसरों को भी ज़हनी मरीज बना रहा है, पागल से लोग हैं। और अफसोस की बात है कि वो उनके अंदर ये इतनी अकल नहीं है कि सारी चीजें छोड़ दें, हमारा मजहब क्या सिखाता है, दूसरों को जज ना करें, हमारा मजहब सिखाता है लोगों के लिए गलत बात ना फैलाएं, बदगुमानी चुगली कैसा कैसी कैसी बातें आपने पढ़ी नहीं, पूरी सोशल जो एथिक्स हमें सिखाए गए हैं, तो हमारे पास एक पूरा रूल है, ठीक है। तो आप किसी को क्या पता आपको कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, किसी को क्या पता, मैं मतलब मैं अगर मैं आके टीवी पे कह दूं मैं हूँ, अरे मैं हूँ ही अल्लाह के फजल से, लेकिन मैं क्यों बताऊँ आपको,
वो मेरा और अल्लाह का मामला है। सही। लेकिन बहरहाल जो भी है, आप कोई नहीं होते कि किसी की लाइफ बर्बाद करें, लोगों को खुदकुशियां करवा दें। अच्छा, हमारे यहाँ ही नहीं है सिर्फ, ये बाहर ये पूरी दुनिया में हो रहा है। वो हमें जरा हजम नहीं होता। मैं तो खासतौर पर बड़ी परेशान होती हूँ, किसी ने तस्वीर काट के उसको खुद ही अजीब सा कर दिया। मैंने देखा है कि आप जरा ज्यादा भी सोचते हैं, मतलब होते हैं, जाहिर आपको आदत भी नहीं है। आजकल के लड़के लड़के बड़े ढीठ भी हो गए हैं कि वो कहते कुछ भी लिखा यार, वो बल्कि कहते अच्छा कुछ वायरल हो गया। आजकल लोग इससे कुछ तस्वीर हमारी हिट हो गई, हमें हमारे वक्त में ये नहीं था ना। दूसरे ये कि बहुत सी तस्वीरें आप हमारी देखते भी है ना, तो वो फोटोशॉप हुई थी। सही। मेरे अलावा भी फोटोशॉप एक टेक्नोलॉजी जिसका शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा, जब मैंने 14 साल पहले अपनी तस्वीर देखी, मैं डर गई, मैंने कहा ये तो मैं नहीं हूँ। तो मेरी बेटी फोटोग्राफर है, उसने कहा अम्मा ये फोटोशॉप है, दफा करें। वो अगर एक तस्वीर ही हटवा लेते हम तो वो आज 50,000 जगह पे वो मल्टीप्लाई ना होती। मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैंने सभा से भी कहा है अल्लाह तुम लोगों को इंटरनेट का पता ही क्या है, किसने क्या किया। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गई। उन्होंने कहा जी स्कैन करके देखा, ये तस्वीर काट के इन्होंने किसी और का धड़ लगाया है। ठीक है, ऐसे भी करते हैं। मेरे अलावा मैंने बहुत सी लड़कियां, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी आर्टिस्ट हैं, वो अपनी मर्जी से चाहे निकर पहने, वो एक अलग बात है, मगर आप उनकी तस्वीरों के धड़ कहीं और लगा रहे हो, उनके मुंह कहीं और, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। इसको तो सोचिए आप, अगर आपको किसी को नेक और बद करार देना है या अच्छा या बुरा साबित करना है, तो पहले आप खुद को तो देखें कि आप टेबल पे बैठ के किसी की जिंदगी तबाह करें, पता नहीं कोई खुदकुशी कर ले, क्या पता। बिल्कुल, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ भी है, बहुत जगहों पे हुआ, इंटरनेशनल भी। सोशल मीडिया हमने वो डुगडुगी पकड़ा दी है बंदरों के हाथ में, जिनको बजानी नहीं आती है वो बजा रहे हैं। बहुत खूब जी, बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास हमारे कुछ फैंस हैं जिन्होंने आपके लिए बड़े प्यारे पैगाम भेजे हैं, लेकिन क्या हम ब्रेक पे जाने से पहले वो फैंस हम उनसे मिल लें या बाद में? बुशरा अंसारी साहिबा को आपके ख्याल में ज्यादा मूवीज करनी चाहिए या ड्रामा? मेरा ख्याल ड्रामे में ज्यादा बेहतर लगती है। मूवीज वगैरह तो आप देखे ना, अभी चल भी नहीं रही है, लेकिन ये कि ड्रामे हर बच्चा बच्चा देख रहा है घर पर। आपके ख्याल में बुशरा अंसारी एक अच्छी अदाकारा है या अच्छी मेजबान? बेस्ट एक्ट्रेस, अच्छी मेजबान भी है। बुशरा अंसारी का नाम सुनकर पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? उसकी एक्टिंग और उसकी अदाएं माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हैं। बुशरा अंसारी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बुशरा अंसारी एक्टर्स जो है, मैं उनको पैगाम ये देना चाहूँगा कि अदाकारी के साथ साथ जो है थोड़े से दीनी प्रोग्राम भी उनको करना चाहिए सुबह मॉर्निंग शो में। थैंक यू वेरी मच, आप सबकी मोहब्बत का, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। कम काम करती हूँ क्योंकि अब मैं नहीं समझती कि मुझे हर काम करना चाहिए। बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे हैं जिन्होंने पहले काम नहीं किया था, सो उनके लिए भी मौका होना चाहिए। और मैं अपने काम को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं खपना नहीं चाहती। सही बात, सही बात है। मेरा लिखा हुआ सीरियल शूट हो रहा है। हाँ, आप तो आजकल वो अपना लिखा हुआ शूट कर रही हैं। ज़ेबाइश मेरा सीरियल है जो हम टीवी पे चलेगा। हाँ, वो कहीं घूमते घूमते मुझे भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये रोल ऐसे नहीं शूट कर रहा, याद रखूंगा मैं ये बात। नहीं नहीं, मेरे यंगर हस्बैंड का रोल था, मैं तो खुशी से बन जाता यार, बन जाता ना। लेकिन एहसन शहूद का भी नाम है, मैंने कहा हाय हाय नहीं नहीं, वो तो मुझे बच्चों की तरह प्यारे लगते। शहूद कहने लगा क्या मुसीबत है, मुझे कटवा दिया, मैं अच्छा खासा बड़ा हो गया। मैंने कहा भाई मैं बहरहाल बाबर के साथ, चूंकि मेरी बाबर अली मेरे साथ उसमें है, तो बाबर अली के साथ मेरी वो एसोसिएशन नहीं है, दोस्ती नहीं, तो वो सीन्स भी अच्छे हुए होंगे। और वो भी उनका एक बहुत दिनों बाद कमबैक सा हुआ है, तो वो एक फ्रेशनेस उनमें रहेगी कि मेरा उनका रिलेशन पहली दफा बना। ये तो मैंने बेटा बनाया हुआ कई दफा, शहूद को भी बनाया हुआ, तो अब मैं कहां से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बॉल नाइट्स विद एहसन खान। तैनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, वे हुए मेरा जी करदा, तैनू चोरे चोरे तक वे फिरा, चोरे चोरे तक वे फिरा, वे हुए मेरा जी करदा।
वाह 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 क्या बात है। और ये गाना मेरे लिए, मैंने खुद ही सोच लिया और मैं फूल भी लाया था देखा आपके लिए, मेरे डिजाइनर को मैंने कहा आज कोई स्पेशल चीज दे दो, मैं उसने फूल ऐसा फूल मेरे बैग में भी बना हुआ है, मुझे पता होता मैं ये आजकल हर जगह जूतों पे टी शर्ट पे हर जगह बना होता है, सब ये बैग ही लेके आ जाती है, मैच हो जाता है। अच्छा थैंक यू सो मच आपके आने का, मुझे ये लगा कि अभी सिर्फ आप आई हैं और आपने हमने बस एक टच किए गुफ्तगु और हमने कंप्लीट नहीं की, इंशाल्लाह दोबारा भी हम आपके साथ शो करना चाहेंगे। हमारे शो तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, लंबे हो सकते हैं चार चार घंटे के, तो मैं आपके लिए बहुत सी सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी दुआएं हैं, आप खुश रहें, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, आबाद रहें, स्टे हैप्पी हेल्दी एंड मे यू अचीव एवरीथिंग यू थॉट ऑफ, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ, कि जिंदगी को हमेशा एक कुछ ना कुछ कुदरती भी चेंजेस आते हैं लाइफ में, और वी जस्ट प्रे कि आपके लिए अच्छे चेंजेस आए जिंदगी में, क्योंकि आप हमारी स्पेशल हमारे पाकिस्तान की एक प्राइड हैं, हमारी आइकॉन हैं, जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, तो स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी लोगों को? बस यही कहूंगी कि एक तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और सबसे पहली बात यह कि जब हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के लिए परेशान होते हैं सोचते हैं तो सबसे पहले अपने आप को चेक करना चाहिए, हमने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया इस मुल्क के लिए, मैंने कचरा फेंका, मैंने टैक्स नहीं दिया, मैंने ट्रैफिक में कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो पहले तो मैं ठीक हो जाऊँ ना, जब मैं ठीक होंगी आप ठीक होंगे ये सब ठीक होंगे तो पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपने लेवल के ऊपर आप सिंसियर रहें पाकिस्तान के साथ अपने साथ, तो सब बेहतर होगा। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच, और जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक देते रहिएगा, आप लोगों के फीडबैक पे हम डिपेंड करते हैं, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है जब डायरेक्टली आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, बोल के पेजेस पे मैसेज आ रहे होते हैं, और हमारे शो जब ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेशल गेस्ट आते हैं तो वो शो चार चार दिन ट्रेंडिंग करते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो एंड आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।